माँ काली जी भय का नाश करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करने वाली देवी मानी गई है। कोई भी जातक यदि किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा से, किसी भी प्रकार के किए कराए से पीड़ित हो या फिर अपने शत्रुओं से वो परेशान हो, तो ऐसे में महाकाली जी के सिद्ध कवच द्वारा वह स्वयं की, अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। महाकाली जी कलयुग के समय में जागृत अवस्था में मानी गई है और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण भी करती है। आज हम आपके लिए महाकाली जी का एक ऐसा सुरक्षा कवच लेके आए हैं जो न केवल आपकी शत्रुओं से रक्षा करता है बल्कि हर प्रकार के भय और ऊपरी बाधाओं से भी आपकी रक्षा करता है। किसी प्रकार की भी तांत्रिक क्रिया हो, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, सभी में महाकाली जी का यह सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करता है और उन सभी ऊपरी बाधाओं से आपको छुटकारा भी दिलाता है। तो आइए जानते हैं महाकाली जी का यह चमत्कारी सिद्ध सुरक्षा कवच आप किस प्रकार से घर पे स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से हमने भोजपत्र पर अनार की कलम द्वारा अष्टगंध लाल स्याही युक्त से किस प्रकार से महाकाली जी के मंत्र को भोजपत्र पर अंकित किया है। आइए अब जान लेते हैं कौन कौन सी सामग्री इसमें कवच को तैयार करते समय प्रयोग में लाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे सियार सुई कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए पहले देख लेते हैं, ये है सिद्ध विभूति। जी हाँ, ये बड़े यज्ञ द्वारा सिद्ध विभूति हमारे अल्टीमेट ज्ञान ज्योतिष केंद्र द्वारा आचार्य जी द्वारा तैयार की गई है। इसको सभी लॉकेट में डाला जाता है जिससे जो लॉकेट के प्रभाव हैं वो कई गुना अधिक हो जाते हैं। आइए किस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे देख लेते हैं। चांदी का एक लॉकेट ले लें, इस प्रकार से चांदी के लॉकेट में महाकाली जी के इस सुरक्षा कवच को भोजपत्र पे जो हमने अंकित किया है अच्छे से फोल्ड करके, ये देखिए फोल्ड करके, और इसको चांदी के लॉकेट में डाल लेना है। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, आराम से इसको फोल्ड कर लेना। अब इसको इस लॉकेट में डाल लेंगे, ये चांदी का जो ताबीज़ है इसमें डाल लेंगे। इसको डालने के बाद थोड़ा अंदर डाल देंगे क्योंकि और भी सामग्रियां हमें इसमें डालनी है। सबसे पहले इसमें हम विभूति डालेंगे, थोड़ी सी विभूति के लिए ताबीज़ को इसमें डाल के, ये देखिए मैंने इसमें विभूति भी डाल दी है। अब इसमें दो सियार सुई, एक सीधी, ये देखिए एक सीधी और एक उल्टी, सीधी ऐसे डाल देंगे और एक ऐसे डाल देंगे ऊपर मुंह करके। ऐसा करने के बाद इसमें एक लाल चर्मक, ये देखिए ये लाल चर्मक, एक सफ़ेद चर्मक, ये देखिए एक सफ़ेद चर्मक डाल देनी है। अब इसमें थोड़ी राई डाल देनी है, ये राई के दाने रहे थोड़े से ये डाल देने हैं। डालने के बाद अब इसमें एक काली मिर्च को डाल के और लॉकेट को, तावीज़ को अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के लिए इसमें आप फेविकिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह महाकाली जी का सिद्ध सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। अब इसको महाकाली जी के मंत्र शक्ति द्वारा इसको अभिमंत्रित किया जाता है और उसके उपरांत ही जातक के कष्टों के निवारण हेतु उनके पास भेजा जाता है। आप चाहें तो इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं या हमारे अल्टीमेट ज्ञान ज्योतिष केंद्र द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्त कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।